स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत भारत ब्रांड पहल की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को आसानी से और किफायती दर पर उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस परियोजना के तहत देश में अब भारत ब्रांड के अंतर्गत देश के हर हिस्से में एक नाम एक ब्रांड और एक ही गुणवत्ता के साथ उर्वरक बेचे जाएंगे। सभी सब्सिडी वाले यूरिया डाई अमोनिया फॉस्फेट म्यूरेट ऑफ पोटास और एनपीके आदि को देश में एकल ब्रांड के तहत विपणन किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके आदि जैसे पूरे देश में एक सामान्य व्यक्त डिजाइन होंगे। इससे कंपनियों को एक ही ब्रांड नाम से भारत के तहत उर्वरक के विपणन में मदद मिलेगी। ध्यान रहे, यह परियोजना उर्वरकों के क्रिस क्रॉस मूवमेंट को रोकेगी और उच्च माल ढुलाई सब्सिडी को कम करेगी। इससे किसानों को कृषि आय बढ़ाने और अपनी आय में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत देश में खुदरा खाद की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से पीएम किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य खुदरा खाद की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से वन स्टॉप शॉप में परिवर्तित करना है। यह 3 स्तरों ग्राम, तहसील और जिला स्तर पर काम करेंगे। इसके पायलट चरण में प्रत्येक जिला स्तर पर कम से कम एक खुदरा दुकान को मॉडल शिप में बदला जाएगा। अगर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की सुविधाओं की बात करें तो किसानों को बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों की आपूर्ति करना, मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना आदि। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।